चलो कल हम लोग जो देख रहे थे उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर डील्ट इन बाइकल्प सूत्रस। तो मैंने कल जो है अलग अलग वेदांग बताया था, जिसमें से एक मैंने बताया था कल्प, ठीक है, शिक्षा व्याकरण निरुक्त इस तरह से बताया था मैंने 6 अलग अलग वेदांग, ठीक है, उसमें से एक है कल्प। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कल्प में किन सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया जाता है, किन टॉपिक्स के बारे में बात किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे, पहला है सेक्रीफाइसेस, फैमिली सेरेमनीज, जो वर्ण है आश्रम व्यवस्था है उसके बारे में थर्ड ऑप्शन में दिया है, और ऑल ऑफ दी एबव दिया है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। कहने का मतलब यह है कि कल्प सूत्र में सेक्रीफाइसेस के बारे में बात की जाती है, जो भी बलिदान वगैरह है उसके बारे में बात किया जाता है। इसके अलावा फैमिली जो सेरेमनीज होता है, जो भी अनुष्ठान वगैरह होता है पारिवारिक अनुष्ठान, उसके बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में, ये सारी चीजें जो है एक तरह से कल्प सूत्र के अंदर में आ जाता है। कल्प सूत्र में ये सारी चीजें जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया है, इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो यहीं पे मैं इस चीज को थोड़ा सा आप लोग के लिए लिख दूं, जैसे कि इसमें बात किया जाता है, एक हमने बताया था शिक्षा, ठीक है। तो शिक्षा में क्या है, अब जितने भी लैंग्वेज वगैरह है या जो फोनेटिक्स वगैरह है उसके बारे में इसमें बात किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेद का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से उसका सोर्स है, क्या ओरिजिन है, कोई भी शब्द उसमें यूज हुआ है, उन चीजों को समझने के लिए ये जो वेदांग है शिक्षा वो यूज किया जाता है, या उसके बारे में इसमें इन चीजों के बारे में बात की गई है। दूसरा, जैसा कि अभी मैंने कहा कल, तो कल में जितने भी रिचुअल्स है एक तरह से, ये सारी चीजें क्या है, सेक्रीफाइसेस, फैमिली सेरेमनीज, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये सब क्या है, एक तरह का रिचुअल्स है, एक तरह का हमारे यहाँ का इंडियन जो वेदों में पुराणों में जो बात की गई है, स्पेशली वेदों में, वो सारे पारिवारिक रिचुअल्स के बारे में कल्प सूत्र में बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा जो व्याकरण है, तो व्याकरण का सिंपल सी बात है कि उसमें किस तरह का ग्रामर यूज किया गया है, उन चीजों के बारे में इसमें बात की गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कल्प सूत्र ही सही क्वेश्चन आए, हो सकता है शिक्षा के बारे में पूछ ले, हो सकता है व्याकरण के बारे में पूछ ले, तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे कि एक था निरुक्त, निरुक्त सूत्र में बेसिकली जो क्या बोला जाता है उसको, एटीमोलॉजी बोला जाता है, एटीमोलॉजी ऐसा कुछ है, ठीक है, वही रहेगा यहाँ पे एटीमोलॉजी। तो ये है कि कोई भी वर्ड का क्या ओरिजिन है, इसमें स्टडी किया जाता है कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसका क्या ओरिजिन है, और इसमें बेसिकली भाषा के बारे में बात की जाती है, और इसमें इस भाषा में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उस वर्ड का जो है यूज क्या हुआ है वर्ड। ओरिजिनेशन क्या है, कहाँ से आया है, ये चीजों के बारे में बात की जाती है। तो एक तरह का बोलना चाहिए वर्ड्स के जो भी एवोल्यूशन हुआ है, क्या इवॉल्व हुआ है, कहाँ से आया है, क्या मीनिंग है, किस टाइम का वर्ड है, ये सारी चीजों जो है निरुक्त में जो है डिफाइन किया गया है। इसके अलावा एक था आप का छंद, तो छंद में सिंपल सा मतलब है मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है, मैट्रिक्स सिस्टम। और एक था ज्योतिष, तो ज्योतिष में सिंपल सी बात है एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की गई है। तो 6 में से 6 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर डील्ट इन बाई कल्प सूत्र है, तो शिक्षा सूत्र, कल्प सूत्र, व्याकरण सूत्र, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, 6 के 6 वहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन है आज के लिए, हु वॉज द फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग हु बिकेम बुद्धिस्ट।
अब बुद्धिज्म का जो है उस टाइम में भारत में बहुत बड़ा एक रोल रहा है, तो कौन सा वो इंडो ग्रीक या यूनानी ऐसा कौन सा राजा था जिसका भारत के आसपास में एक पावर भी था, उसका एक रूलिंग एरिया भी था और उसने बुद्धिज्म को अपनाया था। तो इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास, एंटियोकस सेकेंड, अपोलोडोटस फर्स्ट, अपोलोडोटस सेकेंड और मिनांडर सेकेंड। तो जो इसका आंसर है वो है मिनांडर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, अलग अलग स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्यापम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें याद रखना है कि मिनांडर सेकेंड जो था उसने बुद्धिज्म को जो है अपनाया था। मिनांडर एक राजा था जो कि यूनान का था, जिसने साउथ एशिया के क्षेत्र में उसने पूरा अपना वर्चस्व फैलाया था और साउथ एशिया को जीता था उसने, और बाद में जाकर के उसने बुद्धिज्म को जो है अपनाया था और वो बुद्धिस्ट हो गया था, मिनांडर सेकेंड। ठीक है, वो इंडो ग्रीक, ऐसा पहला इंडो ग्रीक किंग था जिसने बुद्धिज्म को अपनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमा और सिद्धार्थ, हम गौतम या सिद्धार्थ के नाम से आते हैं, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, वॉज बोर्न एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, प्लेस बोलना चाहिए यार। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है कुंडग्राम और लास्ट है कोशल या कोशला जिसको बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण कोशल साउथ कोशल के बारे में मैंने छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में बात किया हुआ था। तो इसमें जो आंसर है वो है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है वर्तमान में बोलना चाहिए कि नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है और 563 में इनका जन्म हुआ था, ईसा पूर्व बीसी की बात करते हैं। लुम्बिनी जो है वो जगह है जहाँ नेपाल में पड़ता है वर्तमान में। तो यहाँ जन्म हुआ था गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का। तो आप लोग को पता ही होगा कि वो एक क्षत्रिय थे और शाक के क्षत्रिय बोला जाता था। इसके बारे में हम लोगों ने गौतम बुद्ध वाले सेक्शन में बात किया होगा हिस्ट्री के क्लास में, शाक के क्षत्रिय थे ये। ठीक है, तो कपिल वस्तु करके एक पूरा साम्राज्य था, उस पूरे एरिया में लुम्बिनी करके एक जगह पड़ता है जो कि वहां पे एक तरह से बोलना चाहिए कैपिटल था उस टाइम में, नेपाल के पूरा एरिया इसके अंडर में आता था। तो शाक के क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाणा और एनलाइटेनमेंट। यहाँ पर प्लेसेस लिखा जा रहा है यार, प्लेस, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पे निर्वाण बोलने का मतलब ये है कि इनलाइटेनमेंट की बात हो रहा है। देखो क्या होता है कि जो थ्योरी है वो ये बोला जाता है कि इसको इनलाइटेनमेंट की जगह बोधिसत्व तो भी कहा जाना चाहिए। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट उनको कहाँ मिला था, चार ऑप्शन है अगेन, लुम्बिनी, गया, कुशीनगर, सारनाथ। कल हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा बात भी किया हुआ था कि गौतम बुद्ध को जो बोध गया है जहाँ पे उनको बोधिसत्व या इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, तो वो जगह का नाम है गया जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, इनलाइटनमेंट उनको मिला था या उनको जो है बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी गया में पीपल पेड़ के नीचे और निरंजना नदी के किनारे में। ये वो जो पीपल का पेड़ था वो क्या था, निरंजना नदी के किनारे में था। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है तो यहाँ पे लिख लेना बिहार, बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर वॉज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। अब देखो अलग अलग जो है चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं गौतम बुद्ध के बाद में,
जिसमें से जो सेकंड नंबर का काउंसिल हुआ था, इसमें चार ऑप्शन है, राजगृह, काशी, वैशाली और सारनाथ। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो हुआ था राजगृह में, ये फर्स्ट काउंसिल यहाँ पे हुआ था। अब काउंसिल होने का मतलब ये है कि बोलना चाहिए जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्ग थे उनके बीच में एक तरह का बोलना चाहिए कि समारोह टाइप से, या बोलना चाहिए कि एक क्या बोलना चाहिए कि गोष्ठी टाइप से हुआ था, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश की गई थी। हालांकि राजगृह में जब फर्स्ट काउंसिल हुआ तो उसके बाद में जो है जो बुद्धिज्म है वो दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो गए थे, और उसी तरीके से जो है सेकेंड जो काउंसिल हुआ वैशाली में, यहाँ पर जितने भी जो त्रिपिटक है उसको एक तरह से इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी, तीनों जो उनके सूत्र हैं और उनके जो नॉवेल बुक है या जो होली बुक है उसको कलेक्ट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो वैशाली में जो है सेकेंड जो काउंसिल हुआ था वो इसका करेक्ट आंसर है, वैशाली। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है कि इसमें प्रेसिडेंट कौन थे। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था सर्वकामी, ये अध्यक्ष थे इस काउंसिल के, जब काउंसिल हुआ तो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये किस राजा के टाइम में हुआ था, तो उसका नाम था कालशोक। ठीक है, और क्या चीज है, एक चीज ये भी पूछा जा सकता है कब हुआ, तो 383 BC के आसपास में ये हुआ। हालांकि मैंने इसको डिटेल में उस टाइम में बता भी दिया था, तो आप चाहो तो एक बार उसको भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पहला जो काउंसिल हुआ वो राजगृह में हुआ, वो आजाद शत्रु के टाइम में हुआ था, जो आजाद शत्रु राजा थे उस टाइम में उनके टाइम में हुआ था। ठीक है, और ये जो सेकेंड काउंसिल था ये कालाशोक जो राजा थे उनके टाइम में हुआ ये। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने, सर्वकामी। चलो, आज मेरा मोबाइल दूसरा वाला बंद है यार, तो शायद आप लोग का मैं चैट तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्या बोल रहे हो? चलो, काफी लोगों ने आंसर दिया है, मैं एक्चुअली आप लोगों का चैट ना पढ़ नहीं पा रहा हूँ डायरेक्टली, अभी मेरा मोबाइल जो है बंद है, तो ये चालू हो जाता तो ठीक था यार। सर, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में करे तो अच्छा होगा। यार देखो, इंग्लिश में अब यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि ये इतना जगह नहीं है कि मैं पूरा हिंदी में वो कर सकूँ, और एक्चुअली मैं इंग्लिश का जो भी है उसको हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ, ट्रांसलेट पूरा कर रहा हूँ, तो आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। और मैं कोशिश करूंगा कि जो आप लोग का वो होगा टेस्ट सीरीज वगैरह होगा और उसमें दिया जाएगा, तो इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, और उसमें हिंदी में भी आपके पास रहेगा तो आपके पास हो जाएगा, अदरवाइज ये हिंदी इंग्लिश दोनों में करके ना मुश्किल होगा। चलो, मैं देखता हूँ, अगर हो पाए तो कल से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, अगर हो पाए तो। सर, हम लोग के माइनिंग ज्ञान वाले क्वेश्चंस में भी बुद्धिस्ट के ऊपर ही होते हैं, इधर भी बुद्धिज्म भी पढ़ रहे हैं। मैं समझा नहीं इसका मतलब क्या है, बुद्धिस्ट के ऊपर होते हैं मतलब? बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे क्या? चलो आगे बढ़े, और कोई डाउट नहीं है, कुछ समझ में तो आ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन एक्सपॉन्डर ऑफ
मटेरियलिस्टिक फिलोसफी, जो मटेरियलिज्म होता है या मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, जो बोलना चाहिए कि एक कहावत है, मतलब कि एक बोला जाता है कि जब तक जियो मजे से जियो और उधार लेके घी पियो। ये जो एक कोट है ये हमेशा जो है चार्वाक दर्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये कौन सा फिलोसफी है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आजीविकास, चार्वाक, बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब सिंपल सी बात है, बुद्धिज्म जैनिज्म तो हो नहीं सकता। चार्वाक फिलोसफी वो फिलोसफी है जिसमें इंसान के जब तक जिंदा है तब तक मजे से जीने की बात कही गई है, और मटेरियलिस्टिक्स को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया गया है कि आप जो सुख सुविधा के जितने भी साधन है उसको जो है आप वो कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, इन सब चीजों की बात की गई है। अब देखो ये दिखने में ऐसा दिखता है, ये जो फिलॉसफी है, कि इसमें अय्याशी की बात की गई है या मजे की बात की गई है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है इसको समझना। जो कहा गया है चार्वाक दर्शन में बातें, वो बड़ा डीप बातें हैं जिसको समझने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखाई देता है कि जब तक जियो मजे से जियो और उधार लेके घी पियो, ये बात कही गई है चार्वाक दर्शन में। आंसर है इसका चार्वाक फिलोसफी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ दी फॉलोइंग प्लेसेस आर कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा वो जगह है जो कि मतलब कि कौन सा वो वास्तुकला है जिसको भारतीय मंदिर वास्तुकला या इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर का पालना कहा जाता है। पालना जानते हो, बच्चे को जिसमें झुलाया जाता है, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, ठीक है। अब इसको पालना बोलो, या बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा वो मंदिर वास्तुकला है या इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर है जो पूरे भारत को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है या उसका शुरुआती एक तरह से बेस बनाया गया है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बादामी, जो हम कल पढ़ रहे थे, वातापी कुंडा वाला जो सेक्शन था उसमें हम लोगों ने इसमें के बारे में बात की गई थी। इसके अलावा जो है पताडकल साउथ का कोई नाम है, चलो मुझे भी ये सुनने में नहीं आया। ऐहोल, ऐहोल का जो वो है इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में बहुत फेमस बातें हुई, ऐहोल। और लास्ट है नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही ऐहोल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उस टाइम में ऐहोल में जो चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा होते थे, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ठीक है। और यहीं से आर्किटेक्चर का उदय माना जाता है, यहीं से आर्किटेक्चर या इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत मानी जाती है। तो इसीलिए ऐहोल को भारतीय मंदिर वास्तुकला का उद्गम स्थल या क्रेडल ऑफ इंडियन टेंपल कहा जाता है। इसको एक तरह से ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर। ठीक है, ऐहोल में किन लोगों ने इसको संरक्षित किया? तो चालुक्य रूलर्स ने। इन लोगों ने उसको संरक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट लीलावती? अच्छा कोई बताएगा एहोल कहाँ है? सुने हो नाम एहोल? वर्तमान में आज के डेट में ये है बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु नहीं, एक बगालीकोट करके जगह है, आप लोगों ने कोई साउथ का कोई होगा तो उसको पता होगा, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कर्नाटका में है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट लीलावती? चार ऑप्शन है यहां पे, भास्कराचार्य, मुंजला, नागार्जुन और कालिदास।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भास्कराचार्य। तो भास्कराचार्य ने क्या किया था, एक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है एक बुक लिखा था जिसका नाम है लीलावती। हालांकि जो इस बुक का जो एक्चुअल में नाम है वो कुछ तो नाम था इसका, एक सिद्धांत शिरोमणि, ठीक, सिद्धांत शिरोमणि करके एक बुक था। तो इस बुक के अलग अलग पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट है लीलावती। तो लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी, इनकी बेटी थी ये, और उसी के नाम पे जो है लीलावती रखा गया था। तो इसके अलग अलग सेक्शन थे जिसमें से एक सेक्शन था लीलावती, एक सेक्शन आई थिंक बीज गणित नाम से था, जिसमें गणित के बहुत सारे जो बीज गणित वाले जितने भी फार्मूलाज वगैरह है उसको यहाँ पे एलाबरेट किया गया है। इसके अलावा जो है एक गृह गणिता करके भी इसका एक पार्ट था। तो तीन पार्ट में ये जो है लिखा गया था, ठीक है, गृह गणिता। तो एक पार्ट है लीलावती, दूसरा पार्ट है बीज गणित और तीसरा है गृह गणिता। तो ये तीनों चीजें मिला करके, तीनों पार्ट को मिला करके एक बुक बनता है। इस बुक को लिखा किसने है, भास्कराचार्य ने लिखा, और इस भास्कराचार्य के नाम पे ही आप लोगों ने वो सुना होगा, क्या बोलते हैं, आई थिंक सेटेलाइट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो अच्छा हाँ यार, वो एक सेटेलाइट था ना, भास्कर 1, तो इंडिया का ये सेकेंड सैटेलाइट था जिसको 1979 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो जो इसरो के द्वारा इसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च किया गया था, भास्करा 1, जो कि 1979 में। अब इसमें ट्रिक ये है कि ये जो भास्कराचार्य नाम के दो लोग थे, जो कि दोनों मैथमेटिशियन थे और दोनों जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार थे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये भास्करा 1 नाम का जो सैटेलाइट था ये किसके नाम पे है। तो मैं बता दूं कि ये जो भास्कराचार्य हैं ये भास्कर 2 के नाम से जाने जाते हैं, भास्करा 2, और एक थे भास्कर 1, जो कि सेवंथ सेंचुरी के आसपास में ये इनका टाइम था। तो इसमें कंफ्यूज मत होना यार, बाई चांस आप जब पूछ दे कि जो सैटेलाइट है भास्कर 1, जो कि 1979 में लॉन्च किया गया था, ये किसके नाम पे है, तो एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था भास्करा 1, जिसको भी भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन याद रखना है कि उनका नाम जो है भास्करा 1 नाम था, और ये जो हम बात कर रहे हैं इनका नाम है भास्करा 2। ये आई थिंक 11th सेंचुरी या 13th सेंचुरी के आसपास में जो है, नहीं 12th सेंचुरी, मतलब 1114 के आसपास इनका जन्म हुआ था, एडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये 17th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे। तो दोनों का नाम सेम है इसीलिए जो है सॉरी, दोनों का नाम सेम है इसीलिए जो है कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना है भास्कर 1 जो है 17th सेंचुरी के जो मैथमेटिशियन थे उनके नाम पे रखा गया था सेटेलाइट। अच्छा, भारत का पहला सेटेलाइट का नाम क्या है, कौन बता सकता है? कभी ना कभी ये चीज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलो, किसने आंसर दिया? आर्यभट्ट, करेक्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट के नाम से जो है पहला सैटेलाइट जो है भारत का बनाया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 1975 में, ठीक है, वो भारत का पहला सैटेलाइट है।1975 में इसको लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैन टेंपल्स ऑफ दिलवाड़ा आर लोकेटेड इन विच स्टेट?
जो जैन मंदिर है दिलवाड़ा में वो कौन से स्टेट में है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो दिलवाड़ा है वो कौन से जगह में है, वो आपको पता होगा तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो काफी लोग को पता होगा दिलवाड़ा जो है राजस्थान में है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन राजस्थान, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है वो बहुत फेमस है, और ये आई थिंक माउंट आबू के आसपास में ये पड़ता है, दिलवाड़ा जो है माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड महाबलीपुरम। ये क्वेश्चन भी कई बार आजकल कई रिसेंट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, महाबलीपुरम जो है किस राजा के द्वारा बनवाया गया था, इसका फाउंडेशन किसके द्वारा रखा गया था। तो इसमें चार ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, विभाषवन, और नरसिम्हावर्मन, और राजा राम चोला। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हवर्मन। इसके द्वारा जो है महाबलीपुरम को जो है 17th सेंचुरी में जो है बनवाया गया था। ठीक है, ये पल्लव डायनेस्टी को बिलोंग करने वाले राजा हैं। इनको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको जो है ममल्ला, मामल्ला करके भी इनको बोला जाता है। मामल्ला का सेंस होता है बेसिकली ग्रेट रेसलर, जो एक तरह से महान पहलवान इनको बोला जाता था, ग्रेट रेसलर। ये नरसिंह वर्मन, इन्होंने महाबलीपुरम का जो है नींव रखा था। अब महाबलीपुरम जो है वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है। कांचीपुरम, कांचीपुरम तमिलनाडु में ये पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हु वॉज नोन एज लिच्छवी दोहित्रा। तो बेसिकली इसका सेंस पहले समझ लो, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त ये फर्स्ट, इन्होंने शादी किया था लिच्छवी की प्रिंसेस थी, कुमार देवी नाम था उनका, रानी थी कुमार देवी। अब ये कहाँ को बिलोंग करती थी, ये लिच्छवी को बिलोंग करती थी। लिच्छवी एक तरह का डायनेस्टी को बिलोंग करने वाला एक क्षेत्र है, समझ समझ लो। तो ठीक है, तो कुमार देवी से शादी किया चंद्रगुप्त वन ने, प्रथम ने, और इनके बेटे हुए कौन, समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी दोहित्रा का मतलब ये है कि लिच्छवी की जो रानी है उसका बेटा। ठीक है, लिच्छवी दोहित्रा का मतलब है डॉटर्स सन ऑफ द लिच्छवी बोल सकते हैं उसको, लिच्छवी की जो बेटी है उसका बेटा उसको बोला जाएगा समुद्रगुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन भी बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। कई बार क्या होता है ना कि किसी भी फेमस राजा को जो टाइटल मिला होता है तो उस टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट स्टेट्स डिड नॉट कम अंडर कंट्रोल ऑफ विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय। अब आपको पता होगा जो कृष्णदेव राय है वो बहुत फेमस राजा हुए हैं, जो कि विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर एम्परर को जो है एम्पायर को जो है बिलोंग करते थे। तो कौन कौन सा एरिया है जो उस एरिया में आता था और कौन सा नहीं है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो स्टेट है जो विजयनगर एम्पायर में नहीं आता था, और स्पेशली कृष्णदेव राय के टाइम में। तो इसमें तीन चार ऑप्शन है, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, जो कि तीनों की तीनों जो है विजयनगर एम्पायर में आते हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा जगह है जो कि विजयनगर के एरिया में नहीं आता था, या उस टाइम में उनके रूलिंग एरिया में नहीं आता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। कृष्णदेव राय के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी इनका नाम सुना होगा। ये 1509 से लेकर 1529 AD तक जो है विजयनगर साम्राज्य के ये रूलर रहे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द न्यू रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय अकबर कॉल्ड दीने इलाही। दीने इलाही नाम का एक नया जो है रिलीजन शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। अब इसके बारे में बोला जाता है कि अकबर जो है ज्यादातर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सबको जो है एक करना चाहते थे, ये राइटर्स या हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो इसीलिए उन्होंने दीने इलाही नाम का एक नया रिलीजन शुरू किया जिसमें अलग अलग धर्मों के जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको शामिल किया गया। तो हालांकि वो फेल हो गया बाद में चल करके, ये जो पूरा एक बोलना चाहिए जो अकबर के द्वारा एक वो चलाया गया था वो। तो इसमें जो पहले पर्सन बने जो इनको अपनाया था, तो इसमें पहला ऑप्शन है अबुल फजल, फैजी, बिरबल और राजा टोडरमल। तो आपको पता होगा कि इसका जो पहले जो वो थे फॉलोअर थे उनका नाम था बिरबल, ठीक है, राजा बिरबल बोला जाता है। तो अकबर के द्वारा दीने इलाही शुरू किया गया, तो पहला जो पर्सन बना जिसने एडॉप्ट किया उसको, तो वो बिरबल ने एडॉप्ट किया था, ठीक है। हालांकि इसमें गिने चुने लोगों ने ही इसको, क्योंकि अकबर ने बोल दिया था कि जिसका मन करे वही इसको एडॉप्ट करे, किसी के ऊपर फोर्सफुली अपनाने का यहाँ पे वो नहीं था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है अकबर बिरबल ने और कुछ और लोगों ने जो है इसको अपनाया था, बाकी सब लोगों ने इसको नहीं अपनाया था, रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विथ। अब टोडरमल भी क्या था, नौ रत्नों में शामिल था ना अकबर के, तो उसमें से किस बोलना चाहिए डिपार्टमेंट में या किस एरिया में जो एसोसिएट था वो। तो पहला है म्यूजिक, लिटरेचर, फाइनेंस और लॉ। तो यहाँ पे इसका आंसर है फाइनेंस, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। टोडरमल एक तरह से बोलना चाहिए कि अकबर का वित्त विभाग में या फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला सेक्शन वो देखते थे, और बहुत सारे जो है उसने अलग अलग जो वो है मतलब कि टैक्स सिस्टम वगैरह उसमें जो है अलग अलग टैक्स सिस्टम लागू किया गया था अकबर के टाइम में, उसमें बहुत बड़ा रोल था किसका, राजस्व विभाग में टोडरमल का, ठीक है। तो नौ रत्नों में जो शामिल थे उसमें ये थोड़ा सा आप लोग देख लो, एक तो नाम था अबू फजल, अबुल फजल। ठीक है, बीरबल था ही, इसके बाद में टोडरमल, एक नाम था फैजी और तानसेन, और राजा मानसिंह, इसके अलावा अब्दुल रहीम खान खाना। एक नाम था मुल्ला दु प्याजा। और लास्ट नाम था हकीम हुकाम, ऐसा कुछ नाम था, हकीम हुकाम, ठीक। तो ये नौ रत्न थे अकबर के टाइम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज लाख बख्श। चार ऑप्शन है, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, हालांकि और कई अलग अलग टाइटल इसने धारण किया था जिसमें से एक नाम था लाख बख्श। अब बोला जाता है कि बख्श ऐसा माना जाता है कि जब उसके पास कोई कुछ मांगने आता था ना तो वो 1 लाख दे देता था, मतलब कि 1 लाख रुपया या जो भी है वो चैरिटी देने का उसका वो था, आदत था।
वो इस चीज के लिए यूज्ड टू था कि वो जब भी चैरिटी करता था तो वो लाख रुपीस जो है देता था, जिसकी वजह से जो है उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाने लग गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस अलाउद्दीन खिलजी क्रिएटेड दीवाने रियासत। तो ये दीवाने रियासत जो है रिसेंटली किसी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन एग्जाम में ये आया था प्रीलिम्स में, जिसमें से एक है रिवेन्यू कलेक्शन, राजस्व को कलेक्ट करने के लिए, या सिविल कोर्ट के लिए, टैक्स को कंट्रोल करने के लिए, या फिर लास्ट है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने उस टाइम में जो है रिफॉर्म किया था, मार्केट को रिफॉर्म करने की कोशिश की गई थी, और उसी के थ्रू उसी के टाइम में जो है उसने दीवाने रियासत निकाला। तो दीवाने रियासत बेसिकली मार्केट को कंट्रोल करने के लिए जो है उसने शुरू किया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है मार्केट कंट्रोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आजकल के टाइम में होता है ना वो जो मार्केट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, तो ये रेगुलेट करने के लिए मार्केट प्राइस को जो है बहुत ज्यादा चेंज ना हो और उसको फिक्स्ड करने के लिए जो है इसने ये चीज लाया था दीवाने रियासत। ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोट रिजल्टेड इन द एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तालीकोट का एक युद्ध हुआ था जिसमें यह बोला गया है कि तालीकोट युद्ध के बाद में कौन सा डायनेस्टी है जिसका शासन या जिसका प्रभाव, जिसका पूरा जो वो है वर्चस्व है वो खत्म हुआ था। इसमें चार ऑप्शन है, डेक्कन सल्तनत, मदुराई सल्तनत, पांड्या एम्पायर और विजयनगर एम्पायर। तो देखो ये जो तालीकोट का युद्ध था वो उसमें बोलना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे उस टाइम में अलिया रामा राय, राम राय करके उनका नाम था, अलिया रामा राय। ये एक तरह से बोल सकते हो ये अंतिम राजा था, लास्ट रूलर था किसका, विजयनगर साम्राज्य का। इसके बीच में और उस टाइम में डेक्कन जो सल्तनत है इनके बीच में ये लड़ाई लड़ा गया था। तो इसके और इनके बीच में लड़ाई लड़ा, ये जीत गए थे और ये हार गए थे, विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे ये हार गए और ये जीत गया। तो सिंपल सी बात है कि इस हार के बाद में जो है विजयनगर साम्राज्य कंप्लीटली जो है यहाँ से खत्म हो गया था। तो इसीलिए बैटल ऑफ तालीकोट बहुत इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है, इसके बाद से पूरी तरह से विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व से खत्म हो गया था। तो इसका आंसर है करेक्ट आंसर विजयनगर एम्पायर, जो इस युद्ध के बाद में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ठीक है, चलो विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर। ये पूरा जो डायनेस्टी था वो दो लोगों ने शुरू किया था, क्योंकि इसके बारे में मैंने हिस्ट्री वाले क्लास में ज्यादा बात नहीं किया है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था 1336 AD में, दो भाई थे हरिहर और बुक्का नाम के।
तो इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य को स्टार्ट किया था अपने पिता के अपने अपने गुरु के नाम पे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो है उनके गुरु के नाम पे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। ये वो टाइम था जिस टाइम में यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी वगैरह का जो है साम्राज्य था पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य जो है अपने आप में एक बहुत ताकतवर राजा मतलब कि एम्पायर बना, जिसमें आप मान के चलो कि जो कर्नाटक वाला एरिया है वो इसमें आता था, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस क्षेत्र में आता था, इसके अलावा जो केरला है वो इसमें आता था, यहाँ तक कि गोवा वाला क्षेत्र भी आता था। हालांकि महाराष्ट्र का क्षेत्र इसमें नहीं था, सिर्फ गोवा वाला क्षेत्र, लेकिन कुछ जगहों में महाराष्ट्र के जरूर इसमें था, लेकिन महाराष्ट्र को फिर भी जो है इसके कंट्रोल में नहीं माना जाता है। कुछ पार्ट तेलंगाना का भी जो है इसके अंडर कंट्रोल था, वर्तमान में जो तेलंगाना है वो, ठीक है। तो इसको हरिहर और बुक्का राय ये दोनों लोग दोनों भाइयों ने इसको शुरू किया था। चलो बात किया जाए तो इसके अंडर में विजयनगर साम्राज्य के अंडर में जो है अलग अलग जो है अलग अलग डायनेस्टीज इसमें शुरू किए थे। जैसे कि एक का नाम है जो हरिहर बुक्का थे वो संगम डायनेस्टी के राजा थे। इसके अलावा इसमें सालू संगम सालुवु डायनेस्टी और तीसरा था तुलुवु डायनेस्टी और लास्ट था अराविडु डायनेस्टी। तो ये चार डायनेस्टी ने इस पूरे विजयनगर साम्राज्य को या विजयनगर एम्पायर को जो है इन्होंने कंट्रोल किया था, ठीक है। पहले जो राजा की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रूलर इसके बने थे जो हरिहर है, हरिहर राय। तो ये 1336 से लेकर के 1365 तक जो है ये राजा बना था, ठीक है। दूसरे जो राजा बने उसका जो भाई था बुक्का वो इसका राजा बना, और ये 1356 से लेकर के 77 तक जो है इसने यहाँ पर रूल किया था। इसके जो सबसे प्रतापी राजा हैं उनका नाम है कृष्णदेव राय, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो राजा थे ये तो संगम डायनेस्टी के राजा थे हरिहर और बुक्का जो थे। इसके अलावा जो सल्यूट डायनेस्टी है उसमें भी कुछ जो नरसिंह राय जिसके बारे में हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन देखा था वो इसमें आते थे। सुलू डायनेस्टी में जो है ये दोनों इसमें, और ये जो नरसिंह राय है वो इसी में आता है, महाबलीपुरम वाला जो अभी क्वेश्चन हमने देखा ना वो वाला, ठीक है। नरसिंह राय सेकेंड नाम है उनका एक्चुअल में। इसके अलावा जो तुलु डायनेस्टी है इसमें आते हैं आपके कृष्णदेव राय। ये कृष्णदेव राय जो नाम है ये सबसे फेमस और सबसे प्रतापी राजा जो है माने जाते हैं कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस टाइम में, अभी मैंने बताया 1509 से लेकर के 1529 के बीच में जो है इसने रूल किया था। ये तुलु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे विजयनगर एम्पायर के, ठीक है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कृष्णदेव राय विजयनगर एम्पायर के कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो वो तुलुवर जो डायनेस्टी है उसको बिलोंग करते थे। 1509 से 1529 एडी तक इसने रूल किया है। चलो अंतिम जो राजा थे वो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा ये अली राम राय जो कि अरवेडू डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। चलो तो ये काफी है, इतना कम से कम बेसिक आपको नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वाज कंटेम्पररी ऑफ ग्रेट फिलोसोफर माधवाचार्य। अब माधवाचार्य ने जो है एक फिलॉसफी दिया था जिसको बोला जाता है द्वैत दर्शन कहा जाता है, ठीक है। तो द्वैत दर्शन के टाइम में मतलब द्वैत दर्शन के जो फिलोसोफर थे माधवाचार्य वो उसके किसके कंटेम्पररी माने जाते हैं, कौन से राजा के। तो इसमें मुस्लिम डायनेस्टी के जो सल्तनत कालीन जो डायनेस्टी है उसमें एक राजा था जिसका नाम था बलबन। तो यहीं पे जो ऑप्शन दिया है बलबन कैकुबाद अलाउद्दीन खिलजी और नसीरुद्दीन महमूद, तो पहला ऑप्शन है बलबन जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जो गुलाम वंश था गुलाम डायनेस्टी जिसको बोला जाता था उसी के एक राजा थे जिसका नाम है बलबन, तो उसके समकालीन थे माध्वाचार्य। बोला जाता है बलबन एक बार गंगा नदी के किनारे में अपना पूरा जितने भी उसके सैनिक वगैरह थे उनके साथ में ठहरा हुआ था, और उसी टाइम में जो माध्वाचार्य है वो वहां से गुजर रहे थे।
तो बलबन को जो है हिंदी तो आती नहीं थी या संस्कृत तो आती नहीं थी, संस्कृत बेसिकली, संस्कृत तो आती नहीं थी, तो बलबन को आता था जो पर्शियन लैंग्वेज है या फारसी जो जुबान है वो आता था। तो माध्वाचार्य को जब वहां पे आए उस गंगा किनारे में, तो उसके सैनिकों ने माध्वाचार्य को पकड़ने की कोशिश किया कि यहाँ पे राजा हैं और आप गंगा नदी पार नहीं कर सकते करके। तो बाद में माध्वाचार्य ने कहा कि अगर ऐसा है तो पहले मुझे उस राजा से मिलाओ। तो बलबन से मिलाया गया और बलबन को उसने, माध्वाचार्य ने जो है पूरा द्वैत दर्शन जो है, ये जो फिलोसफी की हम बात कर रहे हैं द्वैत दर्शन, इसको उसने फारसी में उसको बताया था बलबन को। तो बलबन बड़ा इंप्रेस हुआ और फाइनली जो है उनको जाने दिया माध्वाचार्य को, ठीक है, एक तरह से गुरु भी माना था उसको, हालांकि ऐसा बोला नहीं गए कहीं पे, लेकिन वो बड़ा इंप्रेस्ड हुआ था माध्वाचार्य के नॉलेज से। तो बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोट बाबर नामा। तो बाबर नामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा है अल बरूनी, तीसरा है मिर्जा मोहम्मद हैदर और लास्ट है डी बाबर। तो बेसिकली बाबर नामा बाबर के द्वारा ही लिखा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबर। चलो कुछ यहाँ पे उस टाइम के मुगल डायनेस्टी के जो राजा थे उनके द्वारा कुछ बुक्स लिखा गया जो अमूमन एग्जाम वगैरह में मेडिवल हिस्ट्री के अंडर में आता है, जैसे कि एक है तुजुके बाबरी जिसको बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको लिखा था बाबर। दूसरा है हुमायूं नामा जो हुमायूं के लाइफ पे बेस्ड है, तो हुमायूं नामा को लिखा था उसकी बहन गुलबदन बेगम ने, ठीक है, हुमायूं नामा के जो उसका वो था जीवनी था उसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। आईनाए अकबरी, आईनाए अकबरी तो इसको अबुल फजल ने लिखा था, ये बेसिकली आईनाए अकबरी अकबर नामा का एक पार्ट है। तो कई बार एग्जाम में आईनाए अकबरी के बारे में बोल देता है, कई बार अकबर नामक बोल देता है, राइटर दोनों सेम है। कौन आता है इसका? अबुल फजल, जो उसके नवरत्नों में शामिल था, ठीक है। हाँ, एक और है तुजुके जहांगीरी, ये जहांगीर के लाइफ पे बेस्ड है, तो जहांगीर ने खुद लिखा था इसको तुजुके जहांगीरी। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा था, शाहजहां के लाइफ पे बेस्ड है, इनायत खान ने लिखा। मजबाउल बहरीन तो दारा शिकोह ने जो है लिखा था, अब औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, दारा शिकोह को बेसिकली अकबर का दूसरा रूप माना जाता है क्योंकि वो भी थोड़ा सा लिबरल था हिंदू मुस्लिम के मामले में। तो दारा शिकोह जो है मजमाउल बहरीन जो है लिखा है इसने ये बुक। रक्काते आलमगीरी लिखा था औरंगजेब ने, रक्काते आलमगीरी। तो देख ले वो ये सारे बुक्स का नाम कई बार कई अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये कई बार रिपीट भी होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इब्न बतूता केम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। बेसिकली जो है इब्न बतूता के बारे में रिसेंटली सीजीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक 2019 या 2020 के प्रीलिम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कहाँ से आया था भारत। तो इसका जो वो रीजन कहाँ का है या कहाँ से आया था या कहाँ से भारत ट्रेवल किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल और नन ऑफ दी एबव। तो आंसर इसका मोरक्को, क्योंकि वो मोरक्को से बिलोंग करता था, ठीक है, तो आंसर है इसका मोरक्को। अब ये बोला जाता है कि जो इब्न बतूता है वो मोरक्को देश का रहने वाला था और वो भारत में जो है उस टाइम में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, दिल्ली सल्तनत का उस टाइम में शासक था, उसके टाइम में आया था। किसके टाइम में अगर पूछ दिया तो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। ठीक है, इब्न बतूता से रिलेटेड कुछ यहाँ पे है, हालांकि इब्न बतूता ने एक जो बुक लिखा था किताबुल रेहला, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, किताबुल रेहला इसने इब्न बतूता ने ही लिखा था, ठीक है, ये बुक का नाम है किताबुल रेहला। अल बरूनी, अल बरूनी एक ट्रैवलर था अल बरूनी, और उसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था तहरीके हिंद। भारत के बहुत सारे उस टाइम के जो मेडिवल हिस्ट्री का इतिहास वगैरह उसके बारे में जानने को मिलता है इसमें, तहरीके हिंद। इसके अलावा दो बुक लिखा, दो क्या बहुत सारे बुक हैं, लेकिन दो इम्पोर्टेंट बुक जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, जियाउद्दीन बहरी बरनी के द्वारा, इसको शॉर्ट में बरनी नाम से ही ज्यादा फेमस है, बरनी के द्वारा लिखा गया बुक करके क्वेश्चन आ जाता है, उसका पूरा नाम था जियाउद्दीन बहरी बरनी। तो बरनी ने लिखा फतवाए जहादारी
और तारीखे फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक के जीवन पे बेस्ड है, तारीखे फिरोज शाही। तो ये दोनों बुक जो है फिरोज शाह के टाइम में लिखा गया था, फतवाए जहांदाई और फिर तारीखे फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने अपने लिए मतलब खुद का भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था फतवाए फिरोज शाही। ठीक है, तो फिरोज शाह पे दो बुक है समझो, तारीखे फिरोज शाही जिसको बर्नी ने लिखा और फतवाए फिरोज शाही जिसको फिरोज शाह ने लिखा। ठीक है, तो फिरोज शाह एफ से, दो एफ है यहाँ पे, फतवाए फिरोज शाही, थोड़ा सा देख लेना इस टाइप से लिंक करके। मिनहाज उल सिराज, इसने तबकाते नासिरी लिखा, यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। मिनहाज उल सिराज ने तबकाते नासिरी लिखा है और इसी से मिलता जुलता एक, ये दोनों में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये दो नाम है मिनहाज उल सिराज और दूसरा है हसन निजामी। ये दोनों बुक का नाम में अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, तबकाते नासिरी और ताजुल मासिर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो मिनहाज उल सिराज है इसने लिखा था तबकाते नासिरी, सिर नासिर ऐसे करके इसको याद रख सकते हो, सिराज ने लिखा नासिरी। ठीक है, तो सिराज ने लिखा नासिर और निजाम ने लिखा मासिर। अब मैं तो ऐसे करके इसको रट्टा मार लिया था, देख लेना थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। मिनहाज उल सिराज ने लिखा तबकाते नासिरी, सिर नासिर और निजाम ने, या निजामी बोलना है, हसन निजामी ने, निजाम ने लिखा ताजुल मासिर। अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलक नामा। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के बारे में बहुत सारी जानकारी इससे मिलती है, तुगलक नामा। अबू बकर ने लिखा है चच नामा। तो ये जो बोलना चाहिए कि अरब देश में जो भी एक चच डायनेस्टी करके था, तो उसके हिस्ट्री के बारे में इसमें पता चलता है चच नामा में, अबू बकर ने ये जो है बुक लिखा था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो लास्ट होगा हिस्ट्री वाला, और देन उसके बाद में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने इसको ना आगे आने वाले 15 से 20 आप लोग को एमसीक्यूज का जो सीरीज कराने वाला हूँ मैं, जिसमें आप लोग का हिस्ट्री का 3 सीरीज कराना था, तो ये सेकंड था, एक और होगा जिसमें मॉडर्न जो हिस्ट्री है और कुछ अभी भी मेडिवल के कुछ क्वेश्चन बचे हैं उसको कराना है, देन उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, ये सब के जो है एक एक दो दो जो है सीरीज करा दूंगा, 20 25 30 40 क्वेश्चन इस टाइप से, और ACCL के बारे में थोड़ा सा एक 8 10 क्वेश्चन उससे बना करके मैं आप लोग को देने वाला हूँ, तो वो भी होगा अभी बीच में, और CGMP का एक दो सीरीज उसके बनेगा, और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के 4 5 जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम के ठीक से पहले पहले जो है करंट अफेयर्स की चीजें आपके दिमाग में रहे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं, मे बी कल भी इसका क्लास होगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास परसों हो सकता है इसमें, तो देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।